जय हिंद हमारे प्यारे साथियों। आज इस दीपावली के अवसर पे हम आपको एक थोड़ा सा संदेश भी देना चाहेंगे और थोड़ा सा सतर्क करना चाहेंगे कि जैसा कि आप देख रहे हैं दीपावली का इतना खुशमिजाज, इतना आनंदमय ये त्यौहार है और इस त्यौहार पे हम अपने शिष्यों से और अपने जितने भी सगे संबंधी, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे ये कहना चाहते हैं कि इस त्यौहार के अवसर पे भरपूर आनंद लीजिए। 2 साल के बाद त्यौहार ऐसा बनाने को मिल रहा है भैया, तो आराम से भरपूर आनंद लीजिए इस त्यौहार का। अभी तो कोरोना काल चल रहा था। हाँ, और जैसा कि आशीष भाई साहब भी जानते हैं कि इनका भी कोविड काल में बहुत ही नुकसान भी हुआ और कोविड काल में ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप को तैयार कर चुके हैं, जिससे ये अपने आप को नॉलेज को गेन करके आप तक पहुँचा रहे हैं। तो हमारी पूरी लक्ष्य करियर पॉइंट की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। और इस दीपावली में आप लोग का संदेश ये है कि जो छोटे बच्चे हैं अगर वो पटाखे चलाते हैं, ठीक है, तो पटाखों को बड़ों के साथ चलाएं। क्यों आशीष सर, सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? हाथ जल सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है, तो अपने बड़े से लोगों के साथ सावधानी जरूर, हाँ, सावधानी के साथ चलें। और एक बात और कहेंगे, ये जो हमारा पर्यावरण है ना, हमारा नेचर है, बहुत खूबसूरत है कि नहीं आशीष सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल है ना। तो इस खूबसूरत पर्यावरण को हमें ही खूबसूरत बनाना है, कोई और नहीं बनाएगा। तो पटाखे जलाइए, मजे कीजिए, लेकिन सिर्फ लिमिट में। अगर लिमिट क्रॉस होती है तो नुकसान किसको होता है? हमारे पर्यावरण को। तो पर्यावरण को आप सुरक्षित रखना है, बिल्कुल रखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो एक बार फिर से अंत में भी हम लोग यही कहना चाहेंगे, और आशीष सर और हमारे और जो लक्ष्य करियर पॉइंट है, इसको आप लोग ग्रो करें ज़्यादा से ज़्यादा। और इस लक्ष्य करियर पॉइंट की तरफ से आपको और आपके समस्त परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद करियर पॉइंट की तरफ से। जय हिंद साथियों।